नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एग्रीकल्चर एग्जाम गुरु जी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेके आए हैं एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जनवरी फर्स्ट वीक 2018 का। तो ज्वाइन कीजिए मेरे व्हाट्सएप क्यूज ग्रुप से, जहाँ पर आपको डिस्कशन होती है एफओ आईबीपीएससी एफओ नाबार्ड जेआरएफटीसी एग्जामिनेशन की। तो मैसेज कीजिए मुझे 9199284565 पे अपना नाम और अपना क्वालिफिकेशन लिख कर, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एग्री एग्जाम गुरु जी यूट्यूब चैनल को। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज इशूड ए नोटिफिकेशन फॉर क्रिएटिंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, वो एक नोटिफिकेशन इशू किया है एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क के तौर पर। जो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, तो किस स्टेट ने किया है, उसका राइट आंसर आपको बताना है। तो आप अपना जज भी करेंगे अपने क्वेश्चन को, आप कितना अपडेट रहते हैं, और इसकी जितनी भी जानकारी है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख लेंगे। यहाँ पे तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मैंने बनाया है, तो आप वहाँ पे भी जा करके इसकी सारी जानकारी आप ले लेंगे। तो इसका फर्स्ट, इसका जो आंसर है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में एक नोटिफिकेशन इशू किया है एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क जो है उसके लिए। तो देखते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर, विच इटेबल इज लाइकली टू गेट एक्सटेंट इन 30 ईयर। कौन सा ऐसा इटेबल, जो चार ऑप्शन है उसमें इटेबल है जो 30 ईयर में लास्ट कर जाएगी। तो इसका राइट आंसर है चॉकलेट। ये सब सारी जो न्यूज है उसका आप डिटेल्स देख लेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाया है, तो यहाँ पे ज़्यादा जानकारी आपको नहीं मिलेगी। आप प्लीज वहाँ पे जा करके अपना ऑब्जेक्टिव वो जो डिटेल है न्यूज का, वो आप पढ़ लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नहीं भी आपको मिले तो ये न्यूज आप गूगल में डाल करके वहाँ से आप इसके डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। हु पास द नाबार्ड अमेंडमेंट बिल 2017 ऑन 2 जनवरी 2018 को। जो नाबार्ड अमेंडमेंट बिल है 2017, वो अभी 2 जनवरी को किसने पास किया है, तो इसका राइट आंसर है हमारे प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी, जिन्होंने 2 जनवरी 2018 को नाबार्ड अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया है। व्हाट इज़ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स इन द ईयर 2016-17 में जो टोटल प्रोडक्शन है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप का, तो वो कितना हुआ है, ये इसका तो आंसर मैंने दिया हुआ है, क्योंकि आप डाटा में कन्फ्यूज ना हो, इसके लिए मैंने एक ही आंसर इसमें बनाया है। तो इसका आप डिटेल्स जाके देख लेंगे, कौन सा जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है उसकी इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, ऐसे यूनियन में डिक्रीज हुई है, और भी पोटैटो टोमेटो ये सब में इंक्रीज हुई है। फिर इस्टीमेट क्या है इसका, टोटल न्यूज है जो आप अपने नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में। विच स्टेट विल बी इम्प्लीमेंटिंग द इंटीग्रेटेड सोलर बेस्ड माइक्रो इरीगेशन स्कीम। एक स्टेट है जो जिन्होंने इंटीग्रेटेड सोलर बेस्ड माइक्रो इरीगेशन स्कीम, इसके बारे में आप पढ़ लेंगे, वो इम्प्लीमेंट करने जा रही है, तो इसका राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा जो है इम्प्लीमेंट करने जा रही है इंटीग्रेटेड सोलर बेस्ड माइक्रो इरीगेशन स्कीम को। नाबार्ड हैज सैंक्शनड व्हाट करोड़ लोन असिस्टेंस अंडर द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF टू ओडिशा टूवार्ड्स इरीगेशन एंड रूरल ब्रिज प्रोजेक्ट। रूरल ब्रिज प्रोजेक्ट एंड जो इरीगेशन सिस्टम है वहाँ की, उसके लिए नाबार्ड ने एक फंड रिलीज की है लोन के रूप में, और वो कितना है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर है 372.51 करोड़। तो आप इसका जो डिटेल है वो जाके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे, या फिर गूगल में सर्च करके आप इनका पूरा डिटेल जानकारी अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्रीकल्चर एग्जाम गुरुजी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एग्री अपडेट्स के लिए, और अपने जितने भी स्टूडेंट हैं, ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, लाइक कीजिए। यदि कोई सुझाव हो तो प्लीज़ मुझे शेयर ज़रूर करेंगे कमेंट के माध्यम से, जिससे मैं आपको और भी बेहतर वीडियो और अपडेट्स लाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।